एग्जाम्पल नंबर 10 है, इफ अ कार ट्रैवल्स 60 किलोमीटर इन एन हवर, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन। यहाँ पे कार की स्पीड दी गई है और यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, फर्स्ट 2 आवर में वो कार कितना ट्रैवल करेगी हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे द कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन एन हवर, मीन्स वो हवर में 60 किलोमीटर जाती है और हमें फर्स्ट क्या निकालना है, 2 आवर में कितनी दूर जाएगी। ओके, इन 2 आवर्स इट विल ट्रैवल, वो कैसे निकालेंगे, 2 × 60 इज इक्वल टू, ये किलोमीटर है, इज इक्वल टू 6 × 2 = 12 और ये 0 एज इट इज, 120 किलोमीटर जाएगी 2 आवर में। अभी सेकेंड क्या निकालना है हमें, 15 मिनट्स वो कितनी दूर जाएगी, 15 मिनट्स इज इक्वल टू 1/4 आवर्स हो गए। ओके, अभी देखो इन 1/4 आवर मीन्स हवर का 1/4 पार्ट वो है 15 मिनट्स। ओके, अभी इन 1/4 आवर्स इट विल ट्रैवल 60 × 1/4 किलोमीटर इज इक्वल टू, देखो 4 × 1 = 4, यहाँ पे भी 4 × 1 = 4, 6 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, 2 × 0 = 20 हो गए, 4 × 5 = 20, 15 × 1 किया तो 15 ही आएगा, तो वो क्या आ जाएगा, 15 किलोमीटर। क्वार्टर हवर में वो 15 किलोमीटर जाएगी, ट्रैवल करेगी। ओके, अभी थर्ड क्या बोला गया है, हाफ एन हवर में वो कितनी दूर जाएगी, इन एन हाफ एन हवर इट विल ट्रैवल 60 × 1/2 किलोमीटर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इन एन हाफ आवर, हाफ आवर मीन्स हाफ को हम कैसे लिखते हैं, 1/2 आवर्स। ओके, हाफ आवर में कितनी दूर जाएगी, तो हाफ को हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और ये 0 एज इट इज, 30 × 1 किया तो क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर, तो वो हाफ एन आवर में 30 किलोमीटर जाएगी। अभी फोर्थ वन, 3 1/2 आवर्स इज इक्वल टू 3 आवर्स प्लस हाफ आवर। ओके, तो पहले हम 3 आवर में कितनी दूर जाएगी वो निकालेंगे, उसके बाद हाफ आवर में कितनी दूर जाएगी वो निकालेंगे। इन 3 आवर्स इट विल ट्रैवल 60 × 3। ओके, 6 × 3 = 18 और ये 0 एज इट इज, इतने किलोमीटर जाएगी 3 आवर में। ओके, 180 किलोमीटर। उसके बाद इन हाफ हवर्स इट विल ट्रैवल 60 × 1/2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और ये 0 एज इट इज, 30 × 1 किया तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 किलोमीटर। अभी देखो देयरफॉर, अभी हमें 3 1/2 आवर में कितनी दूर जाएगी ये निकालना है, तो 3 आवर प्लस हाफ आवर के जो आ गए हैं उनकी एडिशन करनी होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन 3
and half hours. It will travel 180 plus 30 kilometer is equal to 210 kilometer. 0 plus 0, 0 आ गया. 8 plus 3, 11 हो गए. 11 का 1 यहाँ पे, carry 1, और carry का 1 और ये 1 2 हो गए, तो 210 kilometer आ गए. Understand? Example number 11 है. If one gold bangles is made from 12 gram to 50 milligram of gold, how much gold will be needed to make 8 such bangle? एक gold की bangle बनाने के लिए 2 gram and 250 milligram gold लगता है. ऐसी हमें 8 bangles बनानी है तो कितना gold लगेगा, ये हमें यहाँ पे calculate करना है. ये milligram का column, ये gram का column. Okay? अभी हमें मल्टीप्लिकेशन किसकी करनी है, 12 ग्राम 250 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि हमें ऐसी 8 बैंगल बनानी है, इसलिए 1 बैंगल के लिए कितना लगता है उसको हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होगा. और देखो यहाँ पे हम 250 मल्टीप्लाई बाय 8 मिलीग्राम, इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, वो मिलीग्राम का आंसर आ जाएगा. 8 जीरो जा 0, 8 फाइव जार 40, 40 का जरूर यहाँ पे कैरी 4 आ गया. 8 टू 0 16, 16 प्लस 4 20 हो गए, 20 मिलीग्राम आ गए. ओके, 20 मिलीग्राम इज इक्वल टू 2 ग्राम होते हैं. ओके, तो ये इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 ग्राम. ओके, तो देयरफॉर यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 मिलीग्राम, क्योंकि ये 2000 मिलीग्राम किस में कन्वर्ट हो गए, ग्राम में कन्वर्ट हो गए, तो ये 2 कैरी हम यहाँ पे देंगे. 8 टू जार 16, 16 प्लस 2 18 हो गए, 18 का 8 यहाँ पे कैरी 1 आ गया. 8 वन जार 8, 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पे 98 ये आंसर आ गया. 98 ग्राम 0 मिलीग्राम, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 98 ग्राम्स of gold is needed. Example number 12 है, how much pouches each of 20 gram of clothes can be made from 1 kilogram 240 gram of clothes. देखो 1 kilogram 240 gram clothes है, उसके हमें 20-20 ग्राम के पाउचेस बनाने हैं. कितने पाउचेस बनेंगे ये हमें यहाँ पे बताना है. ओके, 1 किलोग्राम 240 ग्राम इज इक्वल टू, 1 किलोग्राम के कितने ग्राम होते हैं. सो देखो हमें सभी पाउचेस जो है वो ग्राम में बनाने हैं, तो 1 किलोग्राम एंड 240 ग्राम जो दिया है उन सबको हम ग्राम में ही कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो 1 किलोग्राम के कितने ग्राम होते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए. सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं. सो यहाँ पे हम 1000 ग्राम प्लस ये 240 ग्राम, ये दोनों मिला के कितने ग्राम हो गए, 1240 ग्राम हो. टू फाइंड द नंबर of pouches each of 20 gram clothes, हमें 20 gram के कितने pouches बनेंगे उसके number find out करने हैं. division करनी होगी, तो हमें from 1240 gram of clothes वी डिवाइड, इसको हमें डिवाइड करना होगा. तो देखो 1240 को हमें 20 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि इसके हमें 20-20 ग्राम के पाउचेस बनाने हैं. तो देखो अभी 20 का टेबल में इस वक्त 2 का टेबल, पहले हम 2 का टेबल राइट कर लेंगे. 2 टू जार 4, 2 थ्री जार 6, 2 फोर जार 8, 2 फाइव जार 10, 2 सिक्स जार 12, 2 सेवन जार 14, 2 एट जार 16, 2 नाइन जार 18,
टू टेन ज़र 20, ओके, और उस पे हम जीरो जीरो लगा देंगे तो वो ये हो जाएगा 20 का टेबल। ट्वेंटी के टेबल में 124 है क्या? नहीं, तो 124 से छोटा नंबर कौन सा है? 120 है, ओके। तो हम क्या करेंगे, 26,120, ओके। तो यहाँ पे 4 में से 0 सब्सट्रैक्ट हो गया, 4 आ गया, 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट 0, 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट 0, और ऊपर से लिया हुआ ये 0। अभी 20 के टेबल में 40 है क्या? यस, 22,040। तो यहाँ पे हमने 40 लिया, 40 में से 40 सब्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। अभी यहाँ पे कितनी पाउचेस बनेंगे 20 ग्राम के? 62 पाउचेस बनेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 62 पाउचेस कैन बी मेड। एग्जाम्पल नंबर 13 है, सीमाज मदर बॉट 2 मीटर 70 सेंटीमीटर क्लोथ फॉर अ कुर्ता एंड 2 मीटर 40 सेंटीमीटर फॉर अ शर्ट। हाउ मच क्लोथ डिड शी बाय इन ऑल? सीमा की मदर ने 2 मीटर 70 सेंटीमीटर क्लोथ कुर्ता के लिए बाय किया है, उसके बाद 2 मीटर 40 सेंटीमीटर क्लोथ शर्ट के लिए बाय किया है। तो सीमा की मदर ने टोटल कितना क्लोथ बाय किया यह हमें निकालना है। सो क्लोथ में कुर्ता प्लस शर्ट दोनों आते हैं, तो इन दोनों की हमें करनी होगी एडिशन। तो देखो, क्लोथ में सेंटीमीटर एंड मीटर यूनिट दिया है, सो सेंटीमीटर की मीटर की हम अलग से एडिशन करेंगे। 70 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, सेकेंड में 40 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर दिया है, ओके। अभी इनकी हमें एडिशन करनी है, 0 प्लस, यहाँ पे हम 70 प्लस 40, ये सेंटीमीटर है, 70 प्लस 40 सेंटीमीटर के हो जाएंगे 110 सेंटीमीटर, और 110 सेंटीमीटर में जो 100 सेंटीमीटर है उसका होता है 1 मीटर, और जो 10 सेंटीमीटर है उसको हम 10 सेंटीमीटर ऐसा लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर के कॉलम में हमें सिर्फ 10 लिखना होगा, और ये 1 मीटर हमें यहाँ पे कैरी देना होगा, ओके। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, तो कितना क्लोथ आ गया टोटल? 5 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी बॉट 5 मीटर 10 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। एग्जाम्पल नंबर 14 है, अ वाटर टैंक होल्ड्स 125 लीटर ऑफ वाटर इफ 97 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज यूज। हाउ मच वाटर रिमेन इन द टैंक? टैंक कितना वाटर होल्ड करता है? 125 लीटर वाटर होल्ड करता है टैंक, उसमें से कितना वाटर यूज किया? 97 लीटर 500 मिलीलीटर वाटर यूज हो गया। टैंक में कितना वाटर रिमेन है यह हमें निकालना है। टोटल वाटर जो है उस वाटर में से यूज किया हुआ वाटर सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखो, मिलीलीटर और लीटर में वाटर दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट। उसके बाद टैंक में कितना वाटर है? 125 लीटर वाटर है, उसमें से 97 लीटर और 500 मिलीलीटर वाटर यूज किया गया है, तो हमें इनकी करनी होगी सब्सट्रैक्शन, तब हम कितना वाटर रिमेन है वो बता सकते हैं, ओके। अभी देखो, यहाँ पे 0 ml में से 500 ml सब्सट्रैक्ट करना है, तो हो जाएगा क्या? नहीं, तो यहाँ पे हमें, यहाँ से हमें कैरी लेना होगा। तो 1 लीटर कैरी लेते हैं, तो वो मिलीलीटर के कॉलम में कितने हो जाएंगे? 1000 मिलीलीटर हो जाएंगे। तो देखो, यहाँ से हम 1 कैरी लेते हैं, तो यहाँ पे हम 1000 कैरी 1 लिया हुआ, जो 1 है वो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, इसलिए हमने वहाँ पे 1000 लिया, और कैरी देने के बाद यहाँ पे 124 रह जाएंगे। 1000 में से 500 सब्सट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे कितने रह गए? 500 रह गए। अभी देखो, 4 में से 7 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेना होगा 14 में से 7 सब्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे 7 रह गया। कैरी देने के बाद यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 और ये 1 11 हो गए, क्योंकि 1 में से 9 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम क्या करेंगे? 11 में से 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 2 रह जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे।
तो ये क्या है? वाटर इन टैंक। ये क्या है? वाटर यूज्ड। यहाँ पे क्या है? वाटर रिमेन इन द टैंक 27 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर रिमेन इन द टैंक। एग्जाम्पल नंबर 15 है, हरमिंदर बॉट 57 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ व्हीट फ्रॉम वन शॉप एंड 36 किलोग्राम 800 ग्राम ऑफ व्हीट फ्रॉम अनदर शॉप। हाउ मच व्हीट डिड ही बाय ऑल टुगेदर। हरमिंदर ने दो शॉप से व्हीट बाय किया है, तो हरमिंदर ने टोटल कितना व्हीट बाय किया है ये हमें निकालना होगा। तो जो दो शॉप में से जो उन्होंने व्हीट लिया है उनकी हमें एडिशन करनी होगी। ओके, तो ये पहले रहेगा ग्राम का कॉलम और ये किलोग्राम का। ओके, फर्स्ट दिया है 57 किलोग्राम 500 ग्राम, सेकेंड 36 किलोग्राम 800 ग्राम दिया है। यहाँ पे हम 500 प्लस 800 ग्राम की एडिशन कर लेते हैं। ओके, देखो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 5 प्लस 8 13 हो गए, सो 1300 ग्राम आ गए। सो 1300 ग्राम में से जो 1000 ग्राम जो है उसके 1 किलोग्राम होते हैं। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो ये 1 किलोग्राम प्लस यहाँ पे कितने रह गए? 300 ग्राम रह गए। ओके, तो ये 300 ग्राम हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 किलोग्राम जो है उसको हम कैरी देंगे। ओके, अभी यहाँ पे 7 प्लस 7 14 हो गए, 14 का 4 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9 हो गए, सो यहाँ पे 94 किलोग्राम एंड 300 ग्राम ये आंसर आ गया। इतना वेट हमीद ने दो शॉप में से बाय किया है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हरमिंदर बॉट 94 किलोग्राम 300 ग्राम ऑफ वीट ऑल टुगेदर। एग्जाम्पल नंबर 16 है, रेनू टुक पार्ट इन 100 मीटर रेस। शी ट्रिप्ड एंड फेल डाउन आफ्टर रनिंग 80 मीटर 50 सेंटीमीटर। हाउ मच डिस्टेंस डिड शी हैव लेफ्ट टू रन। रेनू ने 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया है और वो 80 मीटर 50 सेंटीमीटर रन करने के बाद वो फेल डाउन हो गई। ओके, और उसका कितना डिस्टेंस रन करना रिमेनिंग है यह हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, ये हमारा सेंटीमीटर का और ये मीटर का कॉलम रहेगा। उसने 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया है, उसमें से 80 मीटर और 50 सेंटीमीटर रन किया है, कितना रन उसका रिमेनिंग है हमें निकालना है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है, मीन्स 0 रहेगा। ओके, 0 में से 50 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे। यहाँ पे 100 में से 1 कैरी दिया तो यहाँ पे क्या रहेंगे? 99 रहेंगे। ओके, और 1 यहाँ पे आ गया तो 1 मीटर यहाँ पे आ गया, मीन्स 100 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ पे हम 100 लेंगे। 100 में से 50 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 50 रह गए। ओके, 9 में से 0 सब्सट्रैक्ट हो गया, 9 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया। सो उसका 19 मीटर 50 सेंटीमीटर रन रिमेन है। ओके, रेनू लेफ्ट डिस्टेंस 19 मीटर 50 सेंटीमीटर टू रन। एग्जाम्पल नंबर 17 है, अ सैक हैड 40 किलोग्राम 300 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स। देयर वेयर 17 किलोग्राम 700 ग्राम ऑफ पोटैटोज, 13 किलोग्राम 400 ग्राम ऑफ कैबेज एंड द रेस्ट वेयर ऑनियंस। वॉट वॉज द वेट ऑफ ऑनियंस। यहाँ पे हमें ऑनियन का वेट निकालना है। दिया क्या गया है? देखो, जो वेजिटेबल का सैक लाया है उसमें 40 किलोग्राम 300 ग्राम वेजिटेबल्स है, और 40 किलोग्राम 300 ग्राम में ही 17 किलोग्राम 700 ग्राम पोटैटो है,
उसके बाद कैबेज है 13 किलोग्राम 400 ग्राम, और रेस्ट जो है वो ओनियन से, तो हमें ओनियन निकालने हैं। पोटैटो एंड कैबेज कितना है, ये दोनों मिला के कितना वेट आ रहा है वो निकालना होगा। टू फाइंड द वेट ऑफ ओनियंस, हमें ओनियंस का वेट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एड द वेट पोटैटोज एंड कैबेज। फर्स्ट हम पोटैटो एंड कैबेज का वेट कितना आता है वो एडिशन करके निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्ट दिस वेट से, सब्सट्रैक्ट दिस वेट फ्रॉम द टोटल वेट 40 किलोग्राम 300 ग्राम। टोमेटोज एंड कैबेज का वेट कितना आ रहा है टोटल वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पोटैटो दिया है 17 किलोग्राम 700 ग्राम, उसके बाद कैबेज दिया है 13 किलोग्राम 400 ग्राम। अभी देखो 0 + 0 = 0, यहाँ पे 0 7 + 4 11 हो गया, 11 का 1 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 7 + 1 8, 8 + 3 11 हो गए, 11 का 1 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 1 2 3, तो यहाँ पे 31 किलोग्राम ये वेट है टोमेटोज का, पोटैटोज का ये वेट है, कैबेज का, और ये टोटल। जो दो वेजिटेबल का वेट आया है वो वेट टोटल वेट में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ग्राम किलोग्राम, टोटल वेट कितना है 40 किलोग्राम 300 ग्राम, और उसमें से हमें 31 किलोग्राम 100 ग्राम सब्सट्रैक्ट करना होगा। यह है वेजिटेबल इन द सैक, और यह है पोटैटोज एंड कैबेज, और ये आएगा वेट ऑफ ओनियन। थ्री हंड्रेड में से 100 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 200 रह गए, 40 में से 31 सब्सट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे 9 किलोग्राम रह गए, तो 9 किलोग्राम 200 ग्राम ये वेट आ गया वेट ऑफ ओनियंस। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे द वेट ऑफ ओनियंस वॉज 9 किलोग्राम 200 ग्राम। 18 नंबर एग्जाम्पल है, वन डे गुरमिंदर सिंह वॉक 3 किलोमीटर 750 मीटर, परमिंदर सिंह वॉक 2 किलोमीटर 825 मीटर, हु वॉक फर्दर एंड बाय हाउ मच। वॉकिंग में कौन आगे है और कितना आगे है, कितना मीटर और कितना किलोमीटर आगे है, ये हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहला मीटर का और ये किलोमीटर का कॉलम है। तो देखो फर्स्ट जो है गुरमिंदर सिंह, उसने 3 किलोमीटर 750 मीटर वॉक किया है। परमिंदर सिंह ने 2 किलोमीटर 825 मीटर वॉक किया है। ओके, तो देखो यहाँ पे 750 मीटर में से 825 मीटर सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम 1 किलोमीटर कैरी लेंगे,
या टू ही रहेंगे। 1 किलोमीटर इस मीटर कॉलम में लिया तो वो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। अभी ये 1000 प्लस ये 750, ओके, सो कितने हो गए, कितने मीटर हो गए, 1750 मीटर हो गए। अभी हम 1750 में से 825 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या रह जाएगा, देखो यहाँ पे 1750 मीटर, इसमें से 825 मीटर सब्सट्रैक्ट किया हमने तो यहाँ पे 925 मीटर रहेंगे। 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट किए 0, तो वो कितना, तो 925 मीटर वो उसने ज़्यादा वॉक किया है। और वॉकिंग में कौन आगे है, गुरमिंदर सिंह आगे है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुरमिंदर सिंह वॉक फर्दर, ही वॉक 925 मीटर मोर। एग्जाम्पल नंबर 19 है, सुरेश बॉट 3 किलोग्राम 250 ग्राम ऑफ टोमेटोज, 2 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ पीज एंड 1 किलोग्राम 750 ग्राम ऑफ कॉलीफ्लावर। हाउ मच वॉज द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल ही बॉट। सुरेश ने टोटल वेजिटेबल कितना लिया ही हमें निकालना है। तो सुरेश ने टोमेटो पीज एंड कॉलीफ्लावर लिए है, उनका डिफरेंट डिफरेंट वेट दिया है। अगर हमें सुरेश ने टोटल कितना वेट का वेजिटेबल लिया है अगर निकालना है तो क्या करना होगा, टोमेटो पीज एंड कॉलीफ्लावर का जो वेट दिया है उन सबकी एडिशन करनी होगी, ओके। तो वो दिया है ग्राम और किलोग्राम में, करेक्ट। तो यहाँ पे हम ग्राम और किलोग्राम ये लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 किलोग्राम 250 ग्राम ये टोमेटो लिए है, उसके बाद 2 किलोग्राम 500 ग्राम ये पीज लिए है, उसके बाद 1 किलोग्राम 750 ग्राम ये कॉलीफ्लावर लिए है, ओके। अभी हम इन तीनों की करेंगे एडिशन। ये है टोमेटोज, तो यहाँ पे हम टोमेटोज लिखेंगे। ये पीज का वेट दिया है तो ये पीज, उसके बाद ये कॉलीफ्लावर है और ये है टोटल वेजिटेबल्स, ये आएगा टोटल वेजिटेबल्स। ओके, 0 0, 5 प्लस 5 10 हो गए, 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1, 7 प्लस 5 12 हो गए, 12 प्लस 3 15 हो गए, 15 का 5 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। तो यहाँ पे टोटल वेट कितना आ गया, 7 किलोग्राम 500 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुरेश बॉट 7 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ वेजिटेबल इन ऑल। उसने सभी 7 किलोग्राम 500 ग्राम वेजिटेबल लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द डिस्टेंस ऑफ सम प्लेसेस फ्रॉम अकोला आर गिवन, यूज देम टू मेक वर्ड प्रॉब्लम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। अमरावती 95 किलोमीटर, भुसावल 154 किलोमीटर, नागपुर 249 किलोमीटर, जलगांव 181 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे कुछ सिटीज़ का डिस्टेंस अकोला से कितना है वो दिया गया है। तो ये अमरावती 95 किलोमीटर है, कहाँ से, अकोला से अमरावती 95 किलोमीटर है, अकोला से ही भुसावल 154 किलोमीटर है, अकोला से ही नागपुर 249 किलोमीटर है और अकोला से ही जलगांव 181 किलोमीटर है। हमें इसका वर्ड प्रॉब्लम बनाना है, उसको सॉल्व करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम बना लिया है, क्या प्रॉब्लम बना लिया है देखो, विच डिस्टेंस इज मोर, अकोला टू भुसावल और अकोला टू नागपुर, कौन सा डिस्टेंस ग्रेटर है इन दोनों में, अकोला टू भुसावल और अकोला टू नागपुर, कौन सा डिस्टेंस ग्रेटर है हमें बताना है और कितना ग्रेटर है वो भी बताना है, ओके। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ वेरियस आर मेजर्ड
फ्रॉम अकोला, ये सभी सिटी का डिस्टेंस अकोला से कितना है ये मेजर किया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है। हेंस हेंस कंसिडर अकोला टू बी एट 0 किलोमीटर। अकोला कितना किलोमीटर है? 0, क्योंकि सभी डिस्टेंस अकोला से मेजर किया है तो अकोला का डिस्टेंस कितना हो गया? 0 ही हो गया। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। द डिस्टेंस बिटवीन भुसावल एंड अकोला इज इक्वल टू 95 माइनस 0, तो कितना आ गया? 95 किलोमीटर। भुसावल टू अकोला कितना डिस्टेंस है? भुसावल 95 और अकोला 0 है, तो 95 में 0 सब्सट्रैक्ट किए 95 किलोमीटर आ गया। उसके बाद द डिस्टेंस नागपुर टू अकोला डिस्टेंस कितना है वो देख लेंगे। द डिस्टेंस ऑफ नागपुर फ्रॉम अकोला इज इक्वल टू 249 माइनस 0 इज इक्वल टू 249 किलोमीटर। अकोला टू भुसावल डिस्टेंस ज़्यादा है या अकोला टू नागपुर डिस्टेंस ज़्यादा है? अकोला टू नागपुर डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। और वो कितना ज़्यादा है उसके लिए हमें क्या करना होगा? ग्रेटर डिस्टेंस जिसका है उसमें से लेस डिस्टेंस सिटी जो है वो माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ नागपुर फ्रॉम अकोला इज मोर देन दैट ऑफ भुसावल फ्रॉम अकोला। अभी जो डिस्टेंस ग्रेटर है उसमें से लेस्ट सिटी वाला डिस्टेंस माइनस करना होगा, तो वो कितना ज्यादा है वो हमें निकल आएगा। ओके, कितना मोर है डिस्टेंस वो निकल आएगा। This distance is more by 249 minus 95, ये किलोमीटर में आ जाएगा। और वो 249 में से 95 सब्सट्रैक्ट किए तो 154 किलोमीटर आ गया। ओके, कौन सा सिटी का डिस्टेंस ज्यादा है? नागपुर डिस्टेंस ज़्यादा है और वो कितना ज़्यादा है? 154 किलोमीटर से ज़्यादा है। सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम हमने उस इन्फॉर्मेशन से बना लिया है। देखो, विच डिस्टेंस इज लेस, भुसावल टू अकोला और अमरावती टू अकोला? यहाँ पे हमें कौन सा डिस्टेंस लेस है ये बताना है और हाउ मच लेस, कितना लेस है वो भी बताना है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले भुसावल टू अकोला डिस्टेंस कितना है वो लिखेंगे। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है, भुसावल टू अकोला इज इक्वल टू 154 माइनस 0 भुसावल अकोला। ओके, ये किलोमीटर में आ जाएगा तो 154 ही आएगा। ओके, उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन अमरावती टू अकोला इज इक्वल टू, अमरावती टू अकोला डिस्टेंस कितना है? देखो, अमरावती 95 है और अकोला 0 है, तो कितना आ गया? 95 किलोमीटर। इन दोनों में कौन सा लेस है? तो 95 क्या है? 95 लेस देन
154। तो ये अमरावती डिस्टेंस क्या है ले से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन अमरावती एंड अकोला इज लेस देन, इससे लेस है द डिस्टेंस बिटवीन भुसावल एंड अकोला। दिस डिस्टेंस इज लेस बाय, कितना लेस है डिस्टेंस, 154 माइनस 95 किलोमीटर इज इक्वल टू 59 किलोमीटर, कितना लेस है 59 किलोमीटर लेस है। एग्जाम्पल नंबर 21 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड प्रिपेयर द टोटल बिल। ये टेबल कंप्लीट करके हमें बिल प्रिपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे फूड स्टफ्स लिए गए हैं, उनके नेम लिखे हैं, कितने वेट लिया है, मींस शुगर 2.5 किलोग्राम लिए है, एक किलोग्राम में दिया है ना, शुगर 2.5 किलोग्राम लिए है, ऐसे सभी फूड स्टफ का वेट दिया है, उनके रेट दिए है और हमें कॉस्ट निकालनी है। तो देखो ये रेट जो दिया है पर किलोग्राम का वेट दिया है, पर ये किलोग्राम से ज़्यादा है ना, तो इसका अगर कॉस्ट निकालनी है तो हमें 32 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करना होगा। तो यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो देखो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन की तो आंसर आ रहा है 80.00। सो 80 रुपीज़ ये आता है इसकी टोटल कॉस्ट, शुगर की 2.5 किलोग्राम शुगर की टोटल कॉस्ट। उसके बाद अभी राइस का निकालना है, तो राइस 35 रेट है उसका, और कितनी ली है 4.0 किलोग्राम ली है, इनकी मल्टीप्लिकेशन की तो आंसर आता है 140.0 रुपीज़। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, आंसर में भी एक डिजिट आएगा, इसी जगह हमें डेसिमल पॉइंट देना है। तो यहाँ पे दिया तो आंसर क्या आ रहा है अभी, 140.0 मीन्स व्हाट, 140 रुपीज़ आ रहा है। उसके बाद चना दाल रेट कितना है 60, तो रेट मल्टीप्लाई बाय कितनी दाल ली है 1.5 किलोग्राम ली है, तो 60 मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ रहा है देखो 90.0 रुपीज़। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कैसे आ गया, 900 आंसर आ रहा था, पर यहाँ डेसिमल पॉइंट क्यों दिया, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, तो आंसर में भी एक डिजिट आना चाहिए, तो ऐसे यहाँ पे दिया तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट आ रहा है, इसलिए आंसर क्या आ गया 90.0 मीन्स 90 रुपीज़ आ गया। अभी इसका रेट कितना है तूर दाल का, 70 रुपीज़ रेट है, और कितनी ली है 3.0 किलोग्राम ली है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ रहा है 210.0 रुपीज़। ओके अभी देखो इसमें भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, आंसर में भी एक डिजिट आना चाहिए, इसलिए डेसिमल पॉइंट दिया, तो यहाँ पे 210.0 ये आ रहा है इसका आंसर। तो दाल की कॉस्ट कितनी आ गई 210 रुपीज़। उसके बाद वीट लिया है, वीट का रेट है 21 रुपीज़ पर किलोग्राम, और वो कितनी लिए है 7.0 किलोग्राम वीट लिया है, तो वो उसकी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ रही है 147.0 रुपीज़। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, तो आंसर में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट आना चाहिए, इसी जगह हमें डेसिमल पॉइंट देना है, तो यहाँ दिया आंसर क्या आ गया 147.0 रुपीज़ मीन्स 147 रुपीज़। उसके बाद ऑयल लिया है, उसका रेट है 110, और वो ऑयल कितना लिया है 1.5 किलोग्राम लिया है। अभी इसकी मल्टीप्लिकेशन आ रही है 165.0 रुपीज़। यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, आंसर में भी एक डिजिट आना चाहिए डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, तो यहाँ पे दिया तो आंसर आ रहा है 160.0 मीन्स व्हाट, 165 रुपीज़। ओके अभी हमें टोटल बिल बनाना है, तो इन सब की क्या करनी होगी, एडिशन करनी होगी। अभी देखो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में सभी जीरो है, तो राइट साइड में हम सभी जीरो ले लेते हैं। डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड में फर्स्ट डिजिट कौन सा है, देखो जीरो एंड जीरो जीरो हो गए,
जीरो प्लस जीरो जीरो हो गए, जीरो प्लस जीरो 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 प्लस सेवन सेवन हो गए, सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व हो गए, ट्वेल्व का टू यहाँ पे कैरी वन आ गया। ओके, एट प्लस वन नाइन, नाइन प्लस फोर थर्टीन हो गए, थर्टीन एंड नाइन ट्वेंटी टू हो गए, ट्वेंटी टू प्लस वन ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री प्लस फोर ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन प्लस सिक्स थर्टी थ्री, सो थर्टी थ्री का थ्री यहाँ पे कैरी थ्री आ गया। अभी हंड्रेड प्लेस के जो डिजिट है उन सब की हम एडिशन करेंगे, इसमें हंड्रेड प्लेस नहीं है, इसमें हंड्रेड प्लेस है। थ्री प्लस वन फोर हो गए, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन प्लस वन एट, तो यहाँ पे 832.0 रुपीज़ मीन्स 1832 रुपीज़ ही टोटल बिल आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द टोटल बिल इज रुपीज़ 832।